हेलो हेलो। बिट्टू हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू कर जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूं मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार, बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं निकल आओ, गई अब ट्रेन, नहीं निकल आओ, गई अब ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई अब ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई अब ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। Golconda, the word in Telugu means the shepherd's hill, and this shepherd's hill is one of the most beautiful historical landmarks in the whole of India. Aur is pahadi pe jo hai ruins hai of the world's famous forts of India, the Golconda. Jo patthar bikhre hue hain wo ek gatha sunate hain, jo inko ki sunni hai ye gatha of the once famous and beautiful फोर्ट्स। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो एक स्मॉल क्ले फोर्ट से हुई थी, जो कि काकरियास ने बनवाया था व्हेन दे मूव फ्रॉम वारंगल। कितने ही सदियों तक इनके यहाँ के रूलर जो थे बामनियास और कुतुब शाही थे, और उन्होंने अपने अलग अलग समय में इस स्ट्रक्चर में एडिशंस करते रहे वो, एंड ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट मार्क ऑन दिस प्लेस। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर समावेश दिखेगा बिटवीन डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, पर्शियंस, टर्क्स, इंडो अफगान, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सबके मिले जुले है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, और वो यहाँ पे सबको देखने को मिलता है। एंड समथिंग स्पेशल इवॉल्व हियर कॉल्ड द दक्कन। हैदराबाद शहर से नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके शो भारतीय किलो का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और करते हैं हम इस शो में चर्चा किसी फेमस भारतीय किले की, अ फेमस फोर्ट ऑफ इंडिया। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे गोलकोंडा फोर्ट की। हैदराबाद शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे है गोलकोंडा फोर्ट, जो कि एक पहाड़ी पे स्थित है। और ये फेमस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैसिव सिटेडल है और अ फोर्टिफाइड सिटी है। ये फेमस इसलिए भी है, फैबुलसली रिच प्रिंसिपैलिटी, इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वॉज अप्रिशिएटेड मेनी फोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तलाई गोड़ा। ये किला जो था शहर को तो करता ही था कवर, लेकिन साथ में जो रिच इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे उनके लिए भी ये सेफ हेवन था। ఐదు మైళ్ళ దూరాన ఉన్నది గోలుకొండ జిల్లా, వినరా సోదర గోలుకొండ ఘన చరితను ఈనాడే. 600 ఏండ్లకు పూర్వం విధి పేరు మానుగల్లో, వినరా సోదర గోలుకొండ ఘన చరితను ఈనాడే. కాకతీయ గణపతి దేవ్. Many famous names that have shaped the destiny of the Deccan are associated with Golconda. जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है कुली कुतुब शाह का और उनके बाकी वंशज जो उनकी डायनेस्टी में राजा बने थे,
who patronized music and art. और हम कैसे भूल सकते हैं औरंगजेब को जिन्होंने इस किले पे कब्जा किया था और ये नेक्स्ट स्टेट टू द मुगल एम्पायर. The Golconda fort is built on a steep hill 400 feet high. Moti diwar ki teen panktiyan is kile ko cover karti hain aur as the first line of defense. The city lay within the outermost rampart. The falling rampart protected the citadel and the palaces. The most sensitive part of the fort was girdled by the third rampart. इस रैमपार्ट पे स्थित थी 87 मैसिव टावर्स और इस किले में है 8 दरवाजे जो कि एंट्री के लिए यूज किए जाते थे. इट वॉज वन ऑफ मोस्ट कंटेम्पररी फोर्ट्स ऑफ इट्स टाइम. कैनन वॉज ऑलरेडी प्रिवेलेंट एज अ मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिफेंसेस ऑफ फोर्ट्स इन यूरोप एज वेल एज इन इंडिया. And the forts of India were by then being designed to cater to, protect the defenders against onslaught by cannon. Golconda has very well-designed bastions which cover most of the wall surfaces. And most of Golconda ramparts, we see the battlements have openings which protect very well the defenders, being a very rocky and hard strata. Helped Golconda become a legend in its time. It was never taken by force. When it fell to treachery. औरंगजेब ने जो है गोलकोंडा फोर्ट पे अटैक किया था 1687 एंड आफ्टर अ फ्यूटाइल सीज ऑफ 8 मंथ्स ही फाइनली गेन्ड एक्सेस टू द फोर्ट थ्रू अ ट्रेटर. मुगलों की फतेह के बाद कुतुब शाही जो राजा थे उनका रेन एंडेड. तन्ना शाह जो लास्ट रूलर था इस लाइन में ही वॉज सेंट टू अ रॉयल प्रिजन इन दौलताबाद. Golconda became a province of the Mughal Empire, but अपनी identity को बचाने में वो कामयाब रही. Deccan culture का Golconda एक बहुत ही famous center बन गया था. And it has not only played a very important role from the point of view of army and military, but also from the point of view of civilization and culture. You may be aware of the fact that the Qutub Shahi dynasty was a Shia dynasty, and they trace their descent from Karakoyanlus of Iran. And they are all people who came and settled down here from Iran and Mawarawn Nahar. They maintained a very secular culture despite the fact that they were the people who were Shias and they had declared Shiism to be their state religion. Yet they continue to cater to the requirements of the people of the various facets of life, belonging to different cultures, speaking different languages, belonging to different races and so on and so forth. It was a wonderful period of the Qutub Shahis. Close to about 200 years of history, and it's a very, very important period in the history of the. जो गोलकोंडा के कुतुब शाही सुल्तान थे उन्होंने एक नया ही different आर्किटेक्चरल स्टाइल का इजाद की थी जो कि मिक्सचर था ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड पर्शियन स्टाइल्स. ज्यादातर बिल्डिंग जो थी इन्वेडर्स ने उनको तबाह कर दिया था और जो बाकी बचे वो समय के हिसाब से खराब होती क्षतिग्रस्त होती जा रही है. जो राजा रानी महल है वो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेसेस विच गिव द इफेक्ट ऑफ अ पैराडाइज ऑन द अर्थ. All of these forts or the gardens, let's call it, they are supposed to be microcosms of paradise where rivers of honey and milk flow and
beautiful ladies waiting for all the good fellows. It is a very symmetrical plan. Symmetry is very much part of them. They don't go asymmetrical. These people used to consider design in all its aspects, in all its senses. They used to design not only for the visual, but the audio, for the tactile, for the olfactory. And olfactory taste and smell, again you call it aroma, so to speak. So these buildings were built to sensualize you in all of these, with all of these senses. बाला हिसार गेट जो मेन गेट है इनटू द फोर्ट वाज बिल्ड एज इन अ ट्रू डेकनी स्टाइल एंड इट इज डेलिकेटली डेकोरेटेड. इसमें जो है ट्रायंगुलर आर्चेस आर डेकोरेटेड विद लेस लाइक वर्क ऑन स्टोन. जो हिंदू मोटिव्स मंदिरों में पाए जाते हैं वो ही हमें इस गेट पे भी नजर आते हैं. और साथ में है इमेजेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. देयर वर बारबेरियंस कमिंग इनटू दिस कंट्री, देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल कमिंग इनटू दिस कंट्री एंड दे हैड टू बिल्ड फोर्ट्स एंड अबैंडन फोर्ट्स. बट व्हेन द कुतुब शाहीज केम हियर, दे केम विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग हियर. कुतुब शाही रूलर्स थे वो लिबरल थे इन देयर आउटलुक और वो ये बात समझते थे अच्छी तरह कि अगर लोगों के दिलों पे राज करना है तो उन्हें उनके हिसाब से ही चलना होगा. जो उनके महल थे उनमें आपको हिंदू मुस्लिम और पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखेगा. बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, बिकॉज दैट दे बिलीव दैट ए ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट ए काफिर एंड नॉट ए हिंदू एंड नॉट ए अनटचेबल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट देयर पार्ट ऑफ द कल्चर. इट्स इवन टुडे इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ईरानियन कल्चर टू लुक एट अदर देन शियास एज लेस ह्यूमन बीइंग्स. दैट एथिक हेल्प देम टू इंटीग्रेट देमसेल्व्स विद द लोकल कल्चर. जो कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ डांसिंग है वो भी दोस्तों इवॉल्व हुई थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कुतुब शाही सुल्तान्स. फोक फॉर्म्स के साथ ही क्लासिकल जॉनर्स ये दोनों को पैटर्नाइज करते थे कुतुब शाही सुल्तान्स. दो फेमस डांसर वो भी इस किले से ही एसोसिएटेड रहती हैं और वो थी तारामती और पद्मावती. आर्टिस्ट जो थे सारे देश से इस जगह गोलकोंडा में आया करते थे और यहाँ के लोगों का मनोरंजन किया करते थे. फ्रांसवा मार्टिन द फ्रेंच डायरेक्टर ऑन हिज वॉयज फ्रॉम पॉन्डिचेरी टू सूरत वॉज गोइंग इन जून 1681. He came across a large troop of courtesans, Devdasi, and they were coming and very happy and performing. So he asked them, what are you, where are you coming from? He said, we are coming from Golconda city fort. He says, every year the king Sultan of Golconda calls for a reunion of the dancing women of the empire and 10 to 12,000 dancing women congregate at the fort. Now just, and at the city. Now think of it, it's what kind of a magnet and patronage the fort city is.
If you look at the descriptions of the nobles and their palaces and their movement in the city, that their cavalcades of, you know, 300 to 400 camels and elephants marching from one palace to the another, to the imperial palace, they are remarkable. Golconda jo hai, traders jo ki foreign traders the, unko bhi apni taraf aakarshit karta tha. Jo Golconda ka dazzle tha, usse wo sab aakarshit hote the. Kitne hi foreign traders jo ki paas se bhi ya dur se bhi aaye ho. Wo ek world famous diamond market thi aur entrepreneur thi. Golconda draws like a magnet. The magic and the romance of the legends that grew up here made us marvel as children. And now that we understand better and can analyze for ourselves, it still continues to draw. It's really magic. The terrain, the levels at which the monuments are at different heights is wonderful because it gives it so many different dimensions. It's a huge discovery to visit. इस किले में बहुत सारी मस्जिदें हैं और उनमें से भी शाही मस्जिद जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस ऑक्युपाई करती है। The history of Dakkan particularly reflects the type of relationship we had, the Ganga Jamuna Tehzeeb which we refer to. And particularly in Hyderabad we have that particular culture where the ruler, the ruled, they live together almost. And we do not find even one communal tension throughout the history of the Qutub Shahi. बाला हिसार जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है गोलकोंडा के अंदर. A bird's eye view from the बारादरी. उससे क्या होता है पूरे जो किले का पूरे किले दिखता है इस जगह से और पूरे किले का जो सर्वेलेंस है वो काफी आसान हो जाता है बारादरी से देखने के बाद. ये जो इलाका है बारादरी के पास पास का वहां पे ओपन पोर्टिकोज भी हैं बहुत सारे जो कि यूज किए जाते थे एज वेन्यूज फॉर पब्लिक फंक्शंस फॉर द पब्लिक एंड द नोबल्स. इट्स नॉट जस्ट द बिल्डिंग्स ऑफ गोलकोंडा विच आर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी हैदराबादी. इट्स द रिच हिस्ट्री. इट्स अबाउट लव. इट्स अबाउट द रिचेस दैट वेंट थ्रू. यू नो, a human being I think needs his history and heritage to survive. It will be very difficult and very bland and very boring to live without referring to your culture and heritage. One of the most enduring enchantments of the fort of Golconda is a romantic tale of the love affair between Quli Qutub Shah and his beautiful beloved dancer Bhagmati. To immortalize her, the prince founded the city of Hyderabad. But much more than the city of Hyderabad, the memory lingers on in the folklore. It has inspired many poets, musicians and dancers. They continue to perform and retell this story, and the legend lives on.
మల్లేశ్వరుని సన్నిధానమున తందానా తందాని తందానా ఆడుతూ పాడుతూ ఆరాధించి తందానా తందాని తందానా చిరునవ్వులతో పువ్వుల సజ్జతో తందానా తందాని తందానా ఆలయం నుండి బయలుదేరిన తందానా తందాని తందానా. భాగ్యమతి నే జో హై కులీ కుతుబ్ షా కో జో హై ఏక్ షాయర్ బనా దియా థా, కవి బనా దియా థా, ఔర్ వో ఉస్కి లైఫ్ లాంగ్ మ్యూజ్ బన్ కే రహీ, అ సోర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ బిలవెడ్. జో ఇన్ దోనో కి ప్రేమ్ గాతా హై వో ఆజ్ బి దిఖాయి దేతీ హై గోల్కొండా మే, ఔర్ జబ్ ఆప్ ఇన్ కిలే కే అందర్ జో ఖండర్ హై వహాన్ పే ఖడే హోతే హై తో. Most of the Mughal records refer to Bhagmati in very derogatory terms, but the Hyderabadis have been proud of this romance, because you need romance to keep alive legends and to keep alive your culture and your history. And this was a perfect legend for the people of Hyderabad. They love not only Bhagmati and Muhammad Quli, but also the records of their romance through, be it Muhammad Quli's poetry or his architecture, the Charminar, or various other monuments and buildings. Muhammad Quli ne ek choti si masjid bhi banayi thi Bhagmati ke liye. اور وہ یہیں اسی ستان سے نماز ادا کیا کرتی تھی. سلطان نے ایسا کیا جبکہ پورے کنزرویٹو کمیونٹی جو ہے مسلمز کی وہ ان کے خلاف تھی, لیکن پھر بھی سلطان نے بھاگمتی کے لیے مسجد بنائی. جو حیدرآباد میں چار مینار ہے وہ بھی قلی قطب شاہ نے ہی بنوایا تھا. اینڈ ریفلیکٹس دا سیم لافٹی ویژن اینڈ پلورلزم. You come from a specific cultural, racial background to a country where there is this tremendous racial plurality already flowing. So you become a part and you find yourself acceptable within that, and you find that thing enriching. Therefore they became not only they validated themselves, in fact, in a manner of speaking, by taking part in that plurality, and which again in its turn created new forms in languages, new genres of expression and all that. Jo Deccani miniature paintings hai, they occupy a very special place in the cultural heritage of Golconda. This style is characterized by the liberal use of gold paint. Golconda is not just the name of a fort. The word conjures up visions of a bustling city that once flourished here within the ramparts of these forts. It had dazzling marketplaces mentioned in the accounts of foreign travelers like Tavernier and others. Here one could buy pearls from Basra, delicate silks from China, and noble horses from Arabia. And how can we forget that Golconda is the place that gifted mankind the largest diamond ever known, aptly called the Mountain of Light, the Kohinoor. گولکنڈا جو تھا کسی ٹائم میں وجے نگر امپائر کا حصہ بھی تھا. مارکو پولو اور منوچی نے یہ گولکنڈا کو مارک لکھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ اٹس دا ورلڈ فیمس مارکیٹ فار ڈائمنڈز اینڈ کرونیکلڈ اٹس پراسپیرٹی اینڈ اپولنٹ لائف اسٹائل. دیئرز ا گریٹ اماؤنٹ آف ٹریڈ ایکٹیویٹی ان اینڈ اراؤنڈ دا فورٹ. ٹریڈ کیروانز ریگولرلی پاس تھرو دا فورٹ. For the fort has sarais and the fort has various kinds of accommodations and various things. Golconda fort is like a city, you know.
And Golconda was known for high quality, high value trade also. It was a center of diamond trade. It was a center of many other precious commodities, precious metals. All sorts of things used to pass through Golconda. And as a consequence of which, the larger the volume of trade, the greater the amount of commerce, the greater the amount of surplus available, the greater the need of protection, the larger the fort, the heavier the fortifications, the thicker the walls. At the base of this sprawling fort are the tombs of the Qutub Shahi Sultans. The domes emerging out of the petals of a large lotus are first seen here. These sepulchres, like other buildings in the fort, resemble, have a huge mix of Persian, Turkish and Hindu styles of architecture. This final resting place of the Qutub Shahi Sultans testifies eloquently to their humanism, Catholicity and good taste. The mausoleums were conceived as magnificent memorials to the persons with many talents. And these aren't mute edifices. Their silence is eloquent. और वो हमको इस बात की याद दिलाते हैं कि मौत से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है. और जो सुंदरता होती है वो तो it is eternal and love is immortal. So, दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का शो, आपके फेवरेट शो भारतीय किले का. ये शो जो आप सुन रहे थे और हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी गोलकोंडा के किले की. अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. आप हमारी वेबसाइट जो कि www.radiodan.com है, वहां पे जाके भी एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के मेरे शो को फीडबैक दे सकते हैं. आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान, जो कि है RADIO UDAAN, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करिए, जिससे कि आपको आगे से नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाए. तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की. आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे चर्चा किसी नए किले की उस शो में. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई. सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती. यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं. मुझे याद है, कर लूंगी. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4. तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता. ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी. ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड. रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी.